क्या गाइज आपको भी डाटा एंट्री करने में प्रॉब्लम आता है? कहीं पर भी आप अगर जॉब के लिए जाता है, डाटा एंट्री के पोस्ट पे आप जाते हैं और वहाँ पे आप फ्रेशर होने के कारण डाटा एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डाटा एंट्री क्या होता है, उस पर काम कैसे किया जाता है। जब आपके सामने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होगा तो एक्सेल में या फिर एमएस ऑफिस में आप काम कैसे करेंगे। जो भी डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा उस डाटा को आप कंप्यूटर और लैपटॉप में एक्सेल या फिर एमएस ऑफिस में कैसे एंट्री करेंगे, कैसे डाटा को सेव करेंगे, कैसा किस तरीका से किया जाता है, शॉर्टकट की क्या होता है, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप हमारे सामने एक डाटा देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से एक डाटा हमारे सामने दिया हुआ है। आपको ये डाटा जो है स्क्रीन पर हम अच्छे से आपको शो करा देंगे, आप इसको देख सकते हैं। तो ये डाटा दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको डाटा मिल जाएगा। इस डाटा में दोस्तों यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, एज और एड्रेस। तो इसी तरीका से आपको डाटा दिया जाएगा और उस डाटा को आपको कंप्यूटर के माध्यम से उसे जो है सो एंट्री करना होता है, ताकि उसे फ्यूचर में कभी यूज किया जा सके या फिर मार्केटिंग के लिए यूज किया जा सके। तो आइए सीधा चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ पर देखेंगे किस तरीका से एक्सेल और एमएस ऑफिस में दोनों में हम कैसे एंट्री करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस आर को आपको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए एक रन पेज आ जाता है, इस रन पेज में आपको एक्सेल लिख देना है और उसके बाद ओके या फिर इंटर का जो बटन होता है उसे प्रेस कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका एक्सेल का जो है सो स्क्रीन आ जाता है। इसमें दोस्तों बहुत सारा कॉलम लाइन बना हुआ है, आपको जितने कॉलम और लाइन का आवश्यकता पड़ता है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये जो हमारे पास डाटा है, इस डाटा में जितना कुछ भी डिटेल दिया हुआ है, इस डाटा को हम अपने लैपटॉप में एक्सेल के माध्यम से सेव करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। तो आपको ये सीखने में दिक्कत नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं पहले लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, मोबाइल नंबर, एज और एड्रेस। उसी प्रकार से हम यहाँ पे पहले नेम, मोबाइल नंबर, एज और एड्रेस को टाइप करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, तो हम यहाँ पे नेम लिख लेंगे, नेम है। दूसरा कॉलम में है दोस्तों मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तीसरे कॉलम में है दोस्तों एज, तो हम यहाँ पे एज कर देंगे। और चौथे कॉलम में है एड्रेस, तो यहाँ पे चलिए एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इस प्रकार से, जैसे कि इसमें यहाँ पे कलर दिया हुआ है, कलर बाय कलर लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसमें आप कलर भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए इसमें ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधा हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। अब दोस्तों दूसरा में आ जाता है, दूसरे लाइन में हम आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेम के नीचे नेम डालना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में नेम लिखा हुआ है, उसके बाद सरा नीचे नाम दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे पहले नेम का हेडलाइन दे चुके हैं, अब क्या करेंगे कि उसका नाम लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नाम अमन, अमन लिख दिए, अमन कुमार। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने अमन कुमार यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे चलिए दोस्तों अमन कुमार हो गया। अब उसका मोबाइल नंबर क्या है, 9876543211, ये उसका मोबाइल नंबर है। एज यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि डाटा में दिया हुआ है 22, एड्रेस दिया हुआ है न्यू दिल्ली। तो ये हो गया इसका डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आप सारा जितना भी डाटा में दिया हुआ है सारा कुछ आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अब दूसरा है विजय कुमार, तो हम लिखेंगे विजय कुमार। विजय कुमार हो गया। अब मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, तो मोबाइल नंबर फिर से वही मोबाइल नंबर दे दिए। अब एज दोस्तों यहाँ पे 25 दिया हुआ, 25 दे देंगे। एड्रेस न्यू दिल्ली। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे डाटा एंट्री किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे जितना भी नाम है उस प्रकार से आप सारा कुछ यहाँ पे अपना
डाटा में देखकर कुछ इस प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डाटा को फुल फिल कर दिया है, जितना भी नाम, जितना भी मोबाइल नंबर, एड्रेस, एज था, सारा कुछ हम एंट्री कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको इसमें कोई समस्या आया हो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए, इसी तरीका से इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।